फ्रेंड्स, आज मैं सूजी की खीर की रेसिपी आपको बताने वाली हूँ। ये बहुत ही स्वादिष्ट और क्विक रेसिपी है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उसके बराबर में बेल बटन है, उसे ज़रूर क्लिक करें। उससे आपको हमारे नेक्स्ट रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम सूजी की खीर बनाने वाले हैं। अगर त्यौहार है या आपको जल्दी कुछ स्वीट डिश बनानी है तो सूजी की खीर सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। ये बहुत ही क्विकली बन जाती है और बहुत इजी डिश है। तो चलिए देखते हैं सूजी की खीर के लिए हमें क्या चाहिए। एक छोटा बाउल सूजी लिया है, जितना आप सूजी ले रहे हैं उसका डबल चीनी, शुगर। हमें दूध चाहिए होगा, हमने कम से कम 1 लीटर दूध लिया है। दूध में मैंने मलाई वाला दूध लिया है, जो बॉइल्ड है, जिसके अंदर मलाई आई हुई है। ये ऑप्शनल है, अगर आप मलाई पसंद नहीं करते हैं तो आप नहीं ले सकते। मलाई वाला दूध लेने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि इससे जो है आपका दूध, जो आपकी खीर बनेगी, वो गाढ़ी बनेगी और बहुत टेस्टी लगेगी। इसके अलावा हम किशमिश लेने वाले हैं, 10 से 15 किशमिश के दाने लिए हैं। बादाम लिया है, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं घर में। तो जैसे मेरे पास बादाम था तो मैंने बारीक बारीक बादाम काट लिया है। नारियल जो होता है, सूखा नारियल जिसे गोला कहते हैं, उसको बारीक कद्दूकस कर लिया है। इसके अलावा चिरौंजी है मेरे पास, तो मैंने ये ले ली है। आपके पास काजू है या कोई भी और ड्राई फ्रूट है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें थोड़ा सा चाहिए होगा इलायची दाना। आपके पास इलायची पाउडर है तो वो डाल सकते हैं, या फिर आप इलायची दाना भी इसमें डाल सकते हैं। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको इलायची की खुशबू अच्छी लगती है तो आप खीर में इलायची दाना डालिए, अदरवाइज मत डालिए। तो चलिए इसका प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें सूजी को छान लेना है। क्योंकि सूजी फूलती है इसलिए ज़्यादा सूजी नहीं चाहिए, छोटा कटोरी सूजी बहुत है। अब इसे हम भूनेंगे गैस पे। सबसे पहले गैस पे कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई को गर्म होने देंगे। जैसे कि कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें अब हम सूजी डालकर इसे भूनेंगे। इतने हम सूजी को फ्राई कर रहे हैं उसी टाइम पे आप दूसरे गैस पे दूध को रख सकते हैं। इसको इस तरीके से चलाना है जिससे कि जो ये मलाई है ये इसमें अच्छे से दूध में मिल जाए। इसे अभी थोड़ा पहले गर्म होने देते हैं, अभी अभी रखा है, सूजी पे ध्यान देते हैं। जैसे ही सूजी हल्का ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए, देखिए जैसे हल्का हल्का ही बादामी होने लगी है, गैस बिल्कुल बंद कर दीजिए। और एकदम गैस बंद करते ही हमें रुकना नहीं है, थोड़ी देर सूजी को चलाते रहिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि वो नीचे से डार्क हो जाती है, तो उसको कुछ सेकंड्स के लिए चलाइए। सूजी भून चुकी है, देखिए इस तरीके से बहुत हल्का ब्राउन करना है। सूजी भून चुकी है, दूध हमने सूजी भूनते टाइम ही रख दिया था, तो इस टाइम गर्म हो चुका है दूध। अब मैं इसको देखिए, एक तो मैं इस करछी जैसे चमचे का इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे कि इस मलाई को आराम से दूध में मिलाया जा सके। देखिए, या कुछ भी हम सूजी भी डालेंगे और मेवा डालेंगे तो आराम से जो दूध है उसको मिलाते रहेंगे और गाढ़ा करेंगे, क्योंकि खीर थोड़ी सी गाढ़ी अच्छी लगती है, पतली अच्छी नहीं लगती। इसीलिए मलाई डालने का पर्पज़ ये है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, दूध जल्दी गाढ़ा लगता है। देखिए अच्छे से बॉईल हो गया है दूध। अब हम इसमें सबसे पहले जो है, अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो वो खुशबू के लिए, या फिर इलायची दानों को हल्का सा पीस के, मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसमें 2 इलायची डालने वाली हूँ पूरे ऐसे ही साबुत। इससे क्या होगा कि इससे इलायची का फ्लेवर आ जाएगा और लास्ट में जब बन जाएगी खीर मैं इन इलायची को बाहर निकाल लूंगी। उबलते टाइम ही इसकी जो खुशबू है वो दूध में, इसका फ्लेवर मिक्स हो जाएगा। अब हम सूजी डाल लेते हैं और इसको चलाते रहिए। सूजी डालते ही एकदम
चलाएंगे इसको, जैसे कि गाँठे ना बने सूजी की, अच्छे से मिक्स हो जाए। चम्मच से अगर थोड़ी ऊपर आ गई है तो इसको डाल लीजिए और मिक्स कर लीजिए। सूजी बाकी खीर के मुकाबले ज़्यादा टाइम नहीं लेती क्योंकि सूजी जल्दी फूल जाती है, जबकि चावल की खीर बनाएंगे तो उसको काफ़ी देर तक पकाना पड़ता है। तो इसीलिए जब हमारे पास कम टाइम है तो हम सूजी की खीर बना के, चाहे त्यौहार है चाहे कोई मेहमान आ रहे हैं, हमें कुछ किशमिश को थोड़ा सा पानी लेके, जो ड्रिंकिंग वाटर लेके, पीने वाला पानी लेके, उसके अंदर थोड़ी किशमिश डाल दी है। इससे क्या है, थोड़ा किशमिश साफ़ भी हो जाएगी और फूल जाएगी। तो इसमें पानी में से निकाल के फिर खीर में डालेंगे। इसमें अब हम नट्स भी साथ में डाल देते हैं, जैसे कि बादाम, चिरौंजी, और पानी में से किशमिश निकाल के निचोड़ लेंगे अच्छे से और किशमिश डाल देंगे। अभी हमने चीनी और नारियल जो कसा था वो नहीं डाला है, वो बाद में डालेंगे। चीनी सबसे एंड में डाली जाएगी। अभी आप इसको सूजी को पकने दीजिए। देखिए खीर काफ़ी सही तरीके से गाढ़ी हो गई है, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी गाढ़ी होती है, इसीलिए इस टाइम बिल्कुल सही इसकी कंसिस्टेंसी है, ना बहुत पतली ना बहुत गाढ़ी। अब इस टाइम इसमें हम सबसे पहले नारियल का बारूदा, जो हमने नारियल घियाकस किए थे बारीक वो, और अच्छे से मिलाने के बाद इसमें चीनी डालेंगे और चीनी डालते ही गैस कर देंगे बंद। थोड़ा सा इसे चलाएंगे। इसे चलाने के बाद इसको पहले ढक देंगे कुछ देर के लिए। चीनी अच्छे से चलाने के बाद इसको कुछ देर के लिए ढक देंगे, फिर सर्व करेंगे। चार से पांच मिनट हो चुके हैं, इससे क्या होता है चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाती है खीर में। जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं इसमें से जो इलायची है वो अलग हटाने वाली हूँ। चमचे को अलग करेंगे और सर्व करने के लिए दूसरा चमचा लेते हैं, गर्मा गर्म बाउल में कर लीजिए और सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी खीर सूजी की खीर बनके तैयार है। इसमें काफी सारे नट्स हैं तो ये गरम है, हेल्दी है, बहुत ही स्वादिष्ट। एक बार आप सूजी खीर ज़रूर बनाइए, आपके फैमिली मेम्बर्स जो है वो बाकी खीर खानी भूल जाएंगे और हर बार आपसे सूजी की खीर की ही डिमांड करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा इसको
गार्निश करने के लिए ऊपर से किशमिश रखते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने, सूजी की खीर बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए आपको सूजी की खीर की रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही क्विक इजी रेसिपी है, बहुत ही आसान है। त्योहारों में आप खीर बनाना चाहते हैं तो आप सूजी की खीर बनाइए। आपके घर में गेस्ट आए हैं, आपको कुछ स्वीट डिश बनाना है तो आप सूजी की खीर बना सकते हैं। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन के बराबर में बेल बटन है, उसे ज़रूर क्लिक करें, उससे आपको हमारे आने वाले नेक्स्ट रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए थैंक यू।